मॉर्निंग दोस्तों। तो जी आज एक नया दिन, और आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने डेंटिंग वाली वीडियो डाली है, तो कमेंट जरूर करना कि बताना जरूर कि डेंटिंग वाली वीडियो कैसी लगी। और आज एक नया दिन देखो, आज कुछ हम ऑफिस निकल चुके हैं यहाँ से, अभी टाइम हो गया ऑफिस का, तो देखते हैं क्या नया करते हैं आज। और आज मौसम भी बारिश का हो रखा है, खूब बादल हो रखे हैं, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो सुबह मॉर्निंग में हुई थी बारिश, मे बी शायद 24 to 26 फोरकास्ट भी आया हुआ है कि हाँ बारिश होनी है। तो जी ऑफिस का टाइम हो चुका है, ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और गाड़ी में है, और ऑलवेज उसी फ्लाई ओवर के ऊपर है। दिखाता हूँ आपको, चलो ये है अपना ट्रेडिशनल रास्ता, और ये आपको तो हाईवे अभी रटी गया होगा कि हाँ ये वाला हाईवे है जिससे जाते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं ऑफिस, ऑफिस चल के कुछ देखते हैं, अगर कुछ ऑफिस की एक्टिविटी कुछ हुई तो आपको आज कराएंगे, या कुछ नया करेंगे देखते हैं। चलो 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 चलते हैं। ट्रैफिक का हाल देख सकते हो, क्या खतरनाक ट्रैफिक हो रखा है सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। डेली का काम है इस जगह ना, 6 फेज में ट्रैफिक मिलता ही मिलता है डेली। ये वाला जो ये है ना, जो मैं आपको बता था बाबा बंदा बहादुर सिंह बस स्टैंड, इसके पास वाली जो बलोंगी से जैसे निकलते हैं, ये भाई साहब यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, मतलब अब तुम देखो मैं घर से निकला, मुझे यहाँ से 10 मिनट लगी यहाँ तक आने में, और करीबन 15 मिनट मुझे इसको क्रॉस करने में लग जाएगी यहाँ पे, इतना खतरनाक ट्रैफिक है। और ये डेली का ही काम है, पता नहीं कैसे करे, ये रोड छोटी है आगे या क्या हिसाब किताब है इसका, कुछ समझ में नहीं आती। ये डेली का काम है, मतलब 15-20 मिनट यहाँ के मान के चलो यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। तो देखो उस तरफ कोई ट्रैफिक नहीं है, सब खुला है, ट्रैफिक जो है ना बस इधर जाने वालों का ही ट्रैफिक है सब। अब एक और चीज़ है ना, एक ये टाइम है ना जो 9 से 10 का, इस बीच में ट्रैफिक मिलेगा यहाँ, क्योंकि सारे ऑफिस जाते हैं और इसी करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये राउंड अप होता है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ से सीधी निकल जाती हैं और कुछ जो है ये कुछ यहाँ पे निकल गई, ठीक है जी। और कुछ ट्रैफिक जो है इस तरह मुड़ गया, ये गाड़ी बहुत ही खतरनाक रफ्तार से ट्रैफिक निकलते हुए, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, अभी तो 0 ही होगी थी, ये देखो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैफिक निकलते हुए धीरे 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 पहुंच गए हम वेरका चौक पे। भाई आज तो ट्रैफिक ने कांड कर दिया, लेट कर दिया बहुत ज़्यादा ऑफिस को, 38 की लाइटों पर भी 15 मिनट का ट्रैफिक था, और ये फिर हम फंस गए हैं दोबारा सेक्टर 25। जो रैली ग्राउंड है ना, देखो रैली ग्राउंड इस तरह है, और हम यहाँ फंस गए हैं सेक्टर 25 में, फिर दोबारा ट्रैफिक लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पता नहीं कहाँ से आ गया इतना ट्रैफिक। देख लो जी चंडीगढ़ की सड़कों के भी ये हाल है आजकल ना, ट्रैफिक इतना है मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है। पीछे देख सकते हो भाई साहब, पीछे देखो ट्रैफिक फंसा हुआ है मेरी भी, और आगे तो हमने आपको दिखाई दिया भैया, बहुत बुरा हाल है। अभी मुझे लगता है 20 मिनट और लगेंगे ऑफिस पहुँचने में, और देखो मुझे करीबन 1.5 घंटा हो गया घर से निकले हुए, और चले ही जा रहे हैं, और रास्ता इतना लंबा नहीं है, बस पता नहीं क्या हुआ आज ज़्यादा ही ट्रैफिक कुछ है। चलो इसको तो क्रॉस करेंगे, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं, कोई है ही नहीं है कि कोई अल्टरनेट हम यहाँ से निकल जाएं वहाँ से निकल जाएं। और देखो दूसरी तरफ की रोड बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई बंदा नहीं है, इक्का दुक्का दिख रहा है देखो, और सारा जो ट्रैफिक है ना बस वो जाने में है, आने में कोई ट्रैफिक नहीं, इसका मतलब समझ जाओ आप कि भैया ये सारा ट्रैफिक जो है ऑफिस का ट्रैफिक है। 2000 years later तो जी चलते हैं घर वापस, आज कोई ब्लॉग शूट नहीं हो पाया क्योंकि आज ऑफिस में काम बहुत था, तो आज टाइम ही नहीं लगा। और बाहर नीचे आए तो देखो बारिश हो रही है गजब की, अभी बारिश मैं दिखाता हूँ आपको, शीशे में देख सकते हो आप बारिश की बूंदे, बारिश अभी रुकी हुई है, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा गाड़ी गर्म हो जाए फिर निकलते हैं, और हाल देख लो बारिश का, ठीक है कि मौसम गजब का रखा है देखो। तो ये हाल है, चलो रास्ते में चलते हैं, थोड़ा बहुत रास्ता दिखाते हैं फिर आपको और निकलते हैं। चलो ये मैंक निकल रहा है गाड़ी, मैंक अपनी गाड़ी निकल रहा है, दिख रही होगी आपको ये देखो ये वाली। तो जी बारिश के बाद गजब का मौसम हो गया है देखो, क्या मस्त मौसम है ये SCT चंडीगढ़ का मौसम देख ही सकते हो आप, गजब का मौसम।
और हल्की हल्की फॉग शुरू हो गई है। देखो जी, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो ये लैंड क्रूजर है, दुबई का नंबर है। देखो दुबई का नंबर है, दिख रहा है आपको? देखो ये देखो, दुबई का नंबर लैंड क्रूजर यहाँ पे भी मिल जाती है जी। दिख रही होगी आपको, क्या मस्त लैंड क्रूजर खड़ी है। बाहर से मंगाई हुई है शायद ये, क्योंकि जो नंबर है ना वो है 1237, दुबई का नंबर है। दुबई की नंबर प्लेट है भाई, बड़ी गजब की है। तो जी शाम का टाइम हो गया है और हम चले हैं रिलायंस। रिलायंस चले हैं कुछ गिफ्ट वगैरह लेने, और किसके लिए लेने चले हैं वो आपको पता लग जाएगा जब मैं रिलायंस जाऊंगा। तो यहाँ से निकलते हैं चलो, और रिलायंस में मिलते हैं। बाकी रिलायंस में मैं अपना फ़ोन ऑन करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ क्या लेना है। ठीक है जी, चलो। फाइनली आ गए हम शॉपिंग मॉल में, चलते हैं फिर दिखाते हैं। तो जी निकलते निकलते वही टाइम हो जाता है डेली का। अभी देखो 8:15 बज गए हैं, अभी तक हम घर नहीं पहुँचे हैं, और बस रास्ते में ही हैं, बस घर पहुँचने ही वाले हैं। हार्डली 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक्चुअल में कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी पड़ गई अचानक ही, तो इस वजह से हम हो गए हैं लेट। और भूख लगी है बहुत तेज मेरे को, घर में कर का भी ध्यान रखना पड़ता है भाइयों। आटा चावल ख़त्म हो गए तो सब लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है। पर मैं तो क्या करता हूँ, मैं जब भी जैसे अभी ये कुछ हुआ तो मैं रिलायंस से ही ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत रेट में फ़र्क होता है। मतलब ये है कि तुम्हें 2-4 रुपये बच जाए तो उसमें क्या बुराई है, बचाने चाहिए, हर एक को बचाने चाहिए। और मौसम आज गर्मी हो गई है यहाँ पे अच्छी खासी, पता नहीं क्या चक्कर हुआ, कल तो बड़ी ठंड थी और आज अचानक ही मौसम पलट गया। बारिश शुरू हुई थी मॉर्निंग में, उसके बाद बंद हो गई, और अब और की गर्मी 18 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम, 18। नहीं तो इस टाइम जो होता था ना करीबन 9 या 10 डिग्री टेम्परेचर होता था इसमें। तो जी शायद गर्मी की शुरुआत हो गई है मेरे ख्याल से। चलो मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाता हूँ। ये वापस जाते हैं अपना रास्ता है, दिख ही रहा होगा। और ये मोबाइल जो है ये मैंने लगा रखा है ट्राइपॉड पे, अपने स्टैंड पे लगा रखा है। आप यूज़ कर रहे हैं, हाथ से पकड़ के चला रहा हूँ, एक हाथ से चला रहा हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं, मोबाइल जो है ट्राइपॉड पे लगा है। ये जो है ये मेरा फेवरेट व्यू है, ये आपको दिख रही होगी लाइट्स, ये मेरा फेवरेट व्यू है। लाइक दिस व्यू। तो जी कल हमारे यहाँ एक स्पेशल डे है ऑफिस में, एक छोटी सी हमने गेट टुगेदर पार्टी की हुई है, जिसमें क्या है हम हमारे यहाँ से दो बंदे जो हैं आप जानते होंगे, राहुल को और पंकज हो गया और एक भास्कर, ये 3 बंदे हमारे यहाँ से रिलीव हो रहे हैं, तो उनकी हम पार्टी कर रहे हैं सबकी। और आप तो भी दिखाते हैं पार्टी में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, और आप कल शामिल हो ना, सभी को दिखाएंगे हम अपनी गेट टुगेदर पार्टी हमने ऑर्गेनाइज़ की हुई है राहुल के लिए और पंकज के लिए। पंकज से तो आप मिलते ही रहते हो, तो देखो आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद आपको राहुल और पंकज हमारे ब्लॉग में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमारी थोड़ा सा कुछ उनको जॉब कहीं और मिल गई है। तो भैया अब जिसको देखो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाता ही है, तो इसलिए दोनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी, तीनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, भास्कर को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो तीनों जो हैं ये ऑफिस छोड़ रहे हैं हमारा और कहीं अच्छी जगह लगेंगे, और हमारी दुआएं उनके साथ कि जहाँ भी काम करें वो अच्छा काम करें, और जो यहाँ सीखा है वो नई ऑर्गेनाइजेशन के काम आए और तरक्की करें। तरक्की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तरक्की करेंगे तभी जाके कुछ बनती है। और सबके लिए मेरी तो दुआएं हैं कि भाई सब तरक्की करें और नई नई जगह जाएं, अच्छा खासा पैकेज लें, तो ये सबके लिए मेरी दुआएं हैं।
चलो जी घर के पास पहुंचने वाले हैं और फ्लाईओवर एट डेड एंड हो लिया है और अब चलते हैं घर के पास। चलो जी। तो जी घर के पास हम पहुंच लिए हैं और अभी सिम्बा को घुमाने का टाइम हो गया है। सिम्बा को घुमाएंगे अभी क्योंकि वो भी बेचारा मेरी वेट करता है कि कब आएंगे और कब मैं उसको घुमाऊंगा। तो घर पहुंचते हैं और फिर सिम्बा को लेके चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं सिम्बा वॉक। चलो जी। तो जी आ गए हम सिम्बा को घुमाने अपनी वॉक पे। देख सकते हो ये घूम रहा है, ये देखो ये लगा है घूमने में। पर ये जंगलों में घसीटता है ना ऐसे। तो जी इसको घुमाना बहुत ज़रूरी है, वेट करता रहता है। मैं घर गया तो देखा क्या शॉप पे ही खड़ा हुआ था घूमने के चक्कर में, ना घूमने के चक्कर में शॉप पे ही खड़ा हुआ है। तो जी इसको घुमाते हैं जरा और थोड़ा सा आपको भी घुमाते हैं साथ में। और ये अपना ट्रेडिशनल रास्ता है घुमाने वाला, देखो खींच रहा है। ये चलाई घूमने और इसका घूमने का ही काम है। इसका मन नहीं भरता रात को, इसको घूमना बहुत ज़रूरी है और घूमता ज़रूरी है रात को। अब चल दिए हैं साहब घूमने और ये घूमता भी हाईवे पर। अब इसको सारे रास्ते पता, देखो खींचना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया इसने देखो। अभी अपने ट्रेडिशनल पार्क में जाने वाला है। यहाँ किसने कांटे डाले हुए, यहाँ से नहीं आगे से चलेंगे, आगे थोड़ा आगे, आगे थोड़ा, चलो इधर से आगे। और सब समझता है इसको, क्या पता है, सब पता है इसको। देखो यहाँ से जाएगा, चल चल चलो चलो। तो जी आ गए हम पार्क में और ये इसने घूमना शुरू कर दिया यहाँ पे। ये इसकी फेवरेट जगह है, सबसे फेवरेट जगह है, अच्छा एरिया है ये, मस्त पार्क बना हुआ है। सिर्फ ये घूमता है यहाँ पे। ऐसे में यहाँ पे ना कुछ डॉगी वॉगी आते होंगे इधर उधर, तो स्मेल स्मूल आती है इसको, इस चक्कर में यहाँ आता है। देखो खुदी घूम रहा है, चल इधर से आ जा। चलो आने वाले टाइम में ये पार्क जो है ना अच्छा पार्क बन जाएगा, क्योंकि देखो। और ये पेड़ देखो आप, ये पेड़ पहचान है आपको इस पेड़ की? ये वही पेड़ है जो एक बार नीचे गिर गया था, दिखाता हूँ मैं थोड़ा दूर से। देखो ये देखो, अब जो है बिल्कुल सीना तान के खड़ा है और ये बड़ा होगा कुछ टाइम बाद। और ये हमारा पार्क वाला जंगल धीरे धीरे जो बिल्ड हो रहा है और आने वाले टाइम में ये एरिया की बात ही अलग होगी। और हाईवे वालों ने बहुत बढ़िया किया है, जो भी गवर्नमेंट है जो भी इसको मेंटेन करते हैं, देखो खुद ही आप देखो। चलो ठीक है, ये चार्जर तो लेते ही हैं बट मेंटेन किया है पार्क, मेंटेन कर रहे हैं धीरे धीरे। अब क्योंकि अभी तो बने ही, तो धीरे धीरे ये सारा कुछ मेंटेन हो जाएगा। लाइट्स वगैरह लगी है, ये अपर फ्लाई ओवर है, देखो। चल बे चलो चल। और ये स्लिप रोड है, ये स्लिप रोड से बड़े फ्लाई ओवर पर चढ़ जाते हैं ये। और ये इधर से लुधियाना लोग यहाँ रॉन्ग साइड भी चलते हैं इधर से ना, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया। बल्कि ये सिर्फ आने के लिए रोड है, जाने के लिए नहीं है। काफ़ी लोग इसको जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देखो ये आने वाली रोड है, आपने देखी ली गाड़ी आ रही है, लेकिन आपको जाती हुई भी दिखाई दे रही है। देखो बाइक स्कूटर वाला आ रहा है, आप देखो खुद ही देखो, ये देखो रॉन्ग साइड से जा रहा है ना। यहाँ अभी कल परसों, कल की बात है शायद संडे, हाँ संडे को एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ बहुत ज़बरदस्त। यहाँ यहीं पर था, बताता हूँ आपको कहाँ, इस जगह जहाँ वो गाड़ी खड़ी है ना, देखो जहाँ वो कार खड़ी है उस तरफ एक्सीडेंट हुआ ऑटो वालों का। एक ऑटो वाले अंकल थे, वो बेचारे जा रहे थे तो उनकी ऑटो का टायर फट गया और टायर फट के ऑटो गया पलट और उनकी टांग गई टूट। तो हमने काफ़ी एम्बुलेंस को कॉल किया, तो आधा घंटे तक जब एम्बुलेंस नहीं आई, आधा पौना घंटे तक, तो जो क्योंकि मेरे पास तो ये सिम्बा था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो लेकिन जो लोकल यहाँ पे बंदे थे उन्होंने अंकल को सिविल हॉस्पिटल छोड़ा और भाई उनकी जान बच गई और ऑटो बड़ी गंदी तरीके से पलटा था। तो वही है बस, अब टाइम का कुछ पता नहीं है। और बेचारे वो गरीब थे, कह रहे मैं अपना घर परिवार का पेट कैसे पालूंगा, मतलब बेचारे, मतलब बंदे को टेंशन जॉब की नहीं थी, कि टेंशन उसकी नहीं
उसकी नहीं थी कि उसके चोट लगी, टेंशन उसको इस चीज़ की थी कि उसके चोट लगी तो उसके फैमिली कैसे चलेगी। और ये वो जगह थी जहाँ एक्सीडेंट हुआ, सेम ये यहाँ पर ये यहाँ उधर से इधर से आ रहे थे और यहाँ पे ऑटो का टायर फटा और ऑटो गया पलट और उसमें जितनी सवारियाँ थी सब को चोट लगी। खैर गनीमत रही वो अंकल बच गए, ये बहुत जरूरी था। बात आपसे कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था, सॉरी उसके लिए। तो वही बात है, मैं आपको बता रहा, गनीमत रही वो बच गए और काफ़ी लोग जो लोकल यहाँ लोकलाइट थे या जो भी आसपास आने जाने वाले थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की और सभी ने रुक के हेल्प की, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने कुछ, मैंने भी अपना थोड़ा सा योगदान दिया जो मैं बताऊंगा नहीं आपको। तो ये घटना हुई थी और ये हाईवे देखो यहाँ पर ना चलता रहता है ये सब कुछ। अब यहाँ तो इश्यूज होते रहते हैं हाईवे पे। और ये देखो ये पीछे अननेसेसरी फालतू गल्ला, गवर्नमेंट को इनके चलान काटने चाहिए, ये जितने भी पोल्यूटेड व्हीकल है ना इनके चलान काटने चाहिए। अब खुद आप देखो इतना इसने पोल्यूशन किया, देखो पोल्यूशन चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या नॉइस पोल्यूशन, पोल्यूशन तो पोल्यूशन है, चलान कटना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए इसके लिए। जिनकी भी ये जो एक्सेलरेशन और ये जो साइलेंसर चेंज करके गाड़ियों की आवाज़ तेज करके रखते हैं, तो ये तो जी इसकी बात थी। और मैंने आपको बता ही दिया, फिर वो उनका बेटा आया, उनका बेटे को इसकी उनको बताया कि भैया तुम सिविल हॉस्पिटल जाओ, फादर को तुम्हारे सिविल हॉस्पिटल लगेगा। तो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, बेचारा सिंगल लर्नर घर में था और चोट लग गई उसके बेचारे के। और वो बेचारा सिर्फ अपनी चोट से परेशान नहीं था, वो बार बार मतलब मत्था पीट रहा था अपना कि मेरी चोट लग गई, मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं मेरा पूरा परिवार चलता है, अब बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ इन चीज़ों में। चलो जी वॉक करते हैं, चलो। तो जी बड़ा हरामी हो रहा है, बड़ा हरामी हो रहा है, ये इधर उधर भागता है, अब ये पट्टी करेगा, इधर आ जा। तो जी ये था आज का ब्लॉग, आपने देखा सिम्बू को घुमाया, बाकी सारी चीज़ मैंने दिखाई, एक्टिविटीज़ वगैरह, और ये चल रही है शाम की गुलाब जामुन की पार्टी सबकी। और ये भाई साहब ये सूंघ रहे हैं कि क्या खा रहे हैं सब ना। तो जी चलो फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बोल भाई क्या बोलना है, बोल। गाइस डांस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इसको तो करा ले पहले। हाँ इसको भी करो, 1K होने वाले हैं इस पे हमारे, जिस दिन 1K उस दिन आपको पार्टी। सिंबू तू भी बोल, सिंबू इधर बोलो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरी बहन का चैनल। चलो जी ठीक है, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। मजाक कर रही हूं, कोई पार्टी नहीं सुबह के साथ। ओके बाय बाय, टिल देन जब तक के लिए गुड बाय।